हुकूमत मिनी बजट लाने पर मजबूर क्यों है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना अरकान को वजह बता दी। कहा, साबिक हुक्मरानों ने कर्ज लेकर हमें गुलाम कौम बना दिया। अरबों डॉलर के कर्ज न लिए जाते तो मुल्क मुआशी दलदल में न फंसता। आलमी इदारों के कर्ज और सूद लौटाने के लिए उन्हीं से कर्ज लेने पड़ते हैं। कौम साबिक हुक्मरानों की अयाशियों का खमियाजा भुगत रही है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में मुशीर खजाना ने वजाहत दी कि मिनी बजट के लिए IMF से शराइत भी मनवाई हैं। मिनी बजट पर हुकूमती इत्तेहादियों से अपोजिशन के राबते बेसूर। मुस्लिम लीग काफ का मिनी बजट की हिमायत का फैसला। पार्टी मुशावरत के बाद काफ लीग ने फाइनेंस बिल को वोट देने का फैसला किया। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है, बिल की किसी शिक पर एतराज हुआ तो अपनी तजावीज देंगे। सेनेट इजलास में ओपोजिशन का हंगामा। कायदे अवान की तकरीर के दौरान शोर शराबा। चेयरमैन डाइस का घेराव। एहतजाज के बाद अलामती वॉकआउट। कौमी सलामती की पॉलिसी पर शरी रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, स्टेट बैंक अब बराह रास्त आलमी साम्राज्य को जवाबदेह होगा। कौमी सलामती उस वक्त होगी जब गरीब का चूल्हा जलेगा। आसिफ किरमानी ने मिनी बजट को जग्गा टैक्स करार दे दिया। वसीम शहजाद का जवाब। बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी IMF के पास गई। हम माजी की हुकूमतों के लिए गए कर्ज उतार रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने अवाम का पैसा पैनामा और स्विस बैंकों में नहीं भेजा। इमरान खान ना खुद खाता है ना खाने देता है। हर पार्टी चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखे। वैसे ही कहते हैं, फलां फलां को इज्जत दो, एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, मुंतखब हुकूमत का साथ देगी। शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ आते हैं तो आए, नहीं आते तो ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आइंदा इंतखाबात इमरान खान की क़यादत में लड़ेंगे। मिनी बजट मंजूर होने से कोई क़यामत नहीं आएगी। पांचवें साल महंगाई कम होगी। अपोजिशन 23 के बजाय 30 मार्च को लॉन्ग मार्च कर ले। यौम पाकिस्तान की परेड में VIP मेहमान होंगे। तीन दिन पहले मिनिस्टर साहब फरमाने लगे कि ये मैटर क्योंकि सब जुडिशियल है, इस एजेंडे पर बात नहीं की जा सकती। पार्लियामानी कमेटी किसी को वजाहत के लिए बुलाए तो आना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और राना शमीम बुलाने के बावजूद कमेटी में पेश न हुए। कायमा कमेटी के चेयरमैन मियां जावेद लतीफ कहते हैं, वफाकी वजीर की ख्वाहिश पर इजलास PTV में रखा गया मगर वो शरीक नहीं हुए। कहा गया, मामला जेर समात है इसलिए बात नहीं हो सकती। अदलिया का बहुत एहतराम है, हम हकायक अवाम के सामने लाना चाहते थे। कराची में नस्ला टावर की तामीर कैसे हुई? जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग। पुलिस के बाद एंटी करप्शन का भी SPCA के दफ्तर पर छापा। रिकॉर्ड का जायजा। नक्शा पास करने वाले अफसरान से मुतालिक पूछताछ। पुलिस हुकाम की DG SPCA से भी तफसीली गुफ्तगू। SP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट कहते हैं, फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं किया, रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। जाँच पड़ताल का मरहला काफी तवील है, दीगर इदारे भी मुलविस हैं, अभी नाम नहीं बता सकता। खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की तारीख तब्दील। इलेक्शन कमीशन का दूसरा मरहला 16 जनवरी की बजाय मार्च में कराने का फैसला। दूसरे मरहले में हजारा मलकन डिवीजन समेत 18 अजला में इंतखाबात होंगे। शेड्यूल में तब्दीली सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस की गई। जांच पड़ताल खत्म हुई, मुझे मैसेज आया कि जी मैं सेलेक्ट हो गया हूँ इसके लिए, और फिर मुझे 5 मिलियन के लिए मैंने अप्लाई भी की थी, 5 मिलियन रुपए मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। कामयाब जवान प्रोग्राम से नौजवानों को कारोबार में आसानी, रोजगार के मौके भी बढ़ रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कामयाब जवान लोन स्कीम से मुस्तफीद नौजवानों की वीडियो ट्वीट कर दी। मुजाहिद संतोरी ने कर्ज से मोटरसाइकिलों की रिपेयर और खरीदो फरोख्त का कारोबार बढ़ाया। ICC का T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर ऑफ द ईयर की फहरिस्त में शामिल। इंग्लैंड के जॉस बटलर, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श, श्रीलंका के हसारंगा भी शॉर्टलिस्ट।
और PSL के नशरियाती हकूक की फरोख पर बिडिंग के तरीकाकार पर मुकम्मल अमल किया गया। PCB का कहना है अभी तक बोली लगाने वाले किसी इदारे से कोई शिकायत नहीं मिली। PTV ARY कंसोर्शियम पर मोतरिस जियो को PTV से बराह रास्त सवाल का मशवरा दिया। मजीद खदशात या एतराजात ना होने पर बोली दहिंदगान ने अमल जारी रखने पर इत्तेफाक किया। PCB ने 2 साल के लिए 3 अरब 58 करोड़ रुपए रिजर्व कीमत रखी। बिडर्स की पहली बोलियां रिजर्व कीमत से कम थीं। IMC ने दूसरी बोली 3 अरब 74 करोड़ रुपए की लगाई। PTV ARY की दूसरी बोली 4 अरब 35 करोड़ से ज्यादा की थी। ज्यादा बोली पर PCB कमेटी ने PTV ARY को नशरियाती हकूक की सिफारिश की। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।